कल की आएंगे तो भी तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो तो गुप्त रूप में आते हैं। तुमने गीता में पढ़ा नहीं है कि मैं योग माया से छुपा हुआ रहता हूँ। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय जगतनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय पंच। तो जय श्री नारायण दोस्तों। तो अभी मेरे को एक वीडियो मिला है जो कि एक मेरे दोस्त ने मेरे को सेंड किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को। जिसमें जो संत है वो काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों जब भी अवतार आता है या फिर जब भगवान कल्कि हैं वो अभी तक क्यों सबके सामने नहीं आए, कैसे वो अभी तक छिपे हुए हैं और क्यों छिपे हुए हैं। तो एक बार क्लिप देखिए, फिर आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा कि आपको कैसा लगे ये वीडियो। नहीं, इन चीज़ों को तुम थोड़ी समझ सकते हो, क्योंकि जब कल्कि आएंगे तो भी तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो तो गुप्त रूप में आते हैं। तुमने गीता में पढ़ा नहीं है कि मैं योग माया से छुपा हुआ रहता हूँ? पढ़ा है गीता कि अर्जुन, मैं योग माया से छुपा रहता हूँ और जो दुराचारी हैं वो उनकी बुद्धि माया से मोहित हो जाती है। तो कल्कि, जैसे मान लो कृष्ण आए तो कृष्ण को कोई जान सका क्या? राम आए, राम को कोई जान सका क्या? तो ईश्वर जब भी आते हैं वो योग माया से छुप जाते हैं, क्योंकि अगर वो सबके सामने अपनी पूर्ण शक्ति से प्रकट हो जाएं तो लोग कर्म करना भूल जाएं, उन्हीं की स्तुति करने लगें। तो वो कभी अपने पूर्ण तेज में नहीं आता है, वो हमेशा छुप कर ही काम करता है। क्योंकि तुम एक चीज़ सोचो, जब रावण था तो रावण इतना ज़्यादा महान था कि साधारण आदमी तो उस तक पहुँच ही नहीं थी। हम तो बस रामायण में पढ़ते हैं, लेकिन आज भी यदि रावण का युग आ जाए तो लंका तक किसी की पहुंच थोड़ी थी, या रावण तक किसी की पहुंच थोड़ी थी। वो तो बस कर रूप में खींचता था, लोगों से धन खींचता था, हर देश से, हर राजा से कर रूप में। तो वो तो अपनी मौज लेता था, उसको किसी आदमी से कोई मतलब, क्योंकि उसने लंका में एक दूसरा ही संसार बसा रखा था। उस समय को लोगों को भी ये पता नहीं था कि रावण नाम का कोई है, क्योंकि लोगों को तो उसने इतना गरीब बना रखा था कि कोई मतलब उसके किसी आदमी का भी मतलब साक्षात्कार नहीं कर सकता था, साधारण आदमी। फिर दूसरी बात, कंस था, तो जैसा आज जमाना है वैसे ही कंस का जमाना था। आज लोग दूध बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उस समय कंस ने चारों ओर मतलब गाय जो पाल कर रखते थे ग्वाले, उन सभी का दूध वो मथुरा ले जाता था। उसने वृषभानु, नंदराय, इन सभी को मुखिया बना रखा था उस इलाके का, कि सारी गायों का दूध, घी जो भी हो वो मथुरा में आना चाहिए। तो एक गरीबी है ना चारों तरफ। तो इससे अब आपको भी एक आइडिया आ गया होगा कि क्यों कल्कि अवतार अभी प्रकट नहीं होंगे। जो भी लोग दावा करते हैं कि कल्कि अवतार अभी प्रकट होने वाला है आजकल एक दो महीने में, यही वो कारण है, क्योंकि अगर कल्कि अवतार अभी प्रकट हो जाएंगे तो लोग खुद अपने स्तर पे कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ उनके ही भरोसे बैठे रहेंगे, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसा कि बोला, भगवान कल्कि इंसानी रूप में है और हम सब में से मतलब किसी एक से बीच में ही निकलेंगे भाई, इंसानों के कोई अलग से प्रकट नहीं होने वाले हैं। तो फिर वेट कीजिए और कमेंट जरूर से कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल से जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि पूरा चैनल भगवान कल्कि, युग परिवर्तन और सनातन धर्म से रिलेटेड है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।